क्या नहीं कर सकती। एक महिला चाहे तो इतिहास बना सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे दुश्मनों को जो संकेत दिए हैं, जो कार्रवाई की है, आज पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद आज भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, इसके बाद पाकिस्तान में त्राही माम मच चुका है। देश की जनता हमारे भारतीय सेना को, साथ ही रक्षा मंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। और क्या कुछ कह रही है हमारे बिहार की महिला नेता, आइए देख लेते हैं। महिलाएं बहुत डिसिसिव होती हैं और बॉर्न मैनेजर्स होती हैं। अपने बच्चों की जब बात आती है, अपने परिवार की बात आती है, किसी भी डिसीजन की बात आती है, तो आप घरों में भी देखिएगा महिलाएं ये डिसीजन लेती हैं। और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्री महिला बनाया है और आज देख लीजिए उसका परिणाम है सर्जिकल स्ट्राइक 2। जब देश की बात आती है तो कोई भी महिला ऐसा ही करती जैसा माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया, जैसा बैठक में इनके डिसीजन लिया गया। और आज पुलवामा का बदला पूरा हुआ, 40 के बदले 300 लोग, 300 आतंकी मारे गए। और मैंने गांधी मैदान में जब हमारा आतंकवाद के खिलाफ धरना चल रहा था, उसमें मैंने कहा था कि होली से पहले जो पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी, हमारे 40 शहीदों के घर में होली नहीं मनने दिया था, ऐसी सी हरकत की थी, आज होली से पहले 12 दिन के अंदर उनको करारा जवाब मिला है। और मैंने देखा कि जब पाकिस्तान के डिफेंस ने एक ट्वीट किया कि आप सो जाए, पाकिस्तान सेफ है, उसके तुरंत बाद ही 3:30 बजे हमला, और हमले में 300 आतंकी मारे गए। हम सब उनके लिस्ट का वेट कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कमल ज्योति कार्यक्रम कर रही है, जहां एक एक बूथ पर 200-200 दीप कम से कम जलेंगे और एक एक जिला में हजारों दीप जलेंगे, गुलाल उड़ेंगे, क्योंकि आज हमारे सर्जिकल स्ट्राइक टू हुआ है और पुलवामा के शहीदों का बदला पूरा। पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना तैयार हो रही थी पाकिस्तान पर हमले के लिए, जिसका खाका तैयार हो रहा था सोमवार को दिल्ली में, जहां रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक कर रही थी। और इसी दिन तैयार हुआ खास ब्लूप्रिंट, जिस पर सेना को काम करना था, और सेना ने कर दिया अपना काम और ले लिया बदला। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड। दर्द भगाए फुल स्पीड।